स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, SBI क्लर्क प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस लेके आया हूँ। तो प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था, ऐसे एक्चुअली आपको पता होगा कि मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मेरा ये फर्स्ट या सेकेंड वीडियो होगा प्रीवियस ईयर का, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हो सके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया 2016 से लेके बताया कट ऑफ क्या था। तो इसमें भी मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और क्या आपको नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म फिलअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारा मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। देखिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, मुझे उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया। अब वो उनकी मेहनत है, मैंने जैसे जैसे कहा उन्होंने वहीं पे फॉर्म भरा और उनका सिलेक्शन हुआ। मेरी कोई ये नहीं है, मैंने बस गाइडेंस दिया, वो कैंडिडेट के हिसाब से दिया तो उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ अगर, तो देखिए प्रीलिम्स में कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। आपको मैंने क्या कहा, कट ऑफ स्टार्ट होती है 1 मार्क्स से स्टार्ट होती है प्रीलिम्स की कट ऑफ, जो मैंने आपने आंखों से देखा वो मैं बता रहा हूँ। 1 मार्क्स से, 1 out of 100, 1 कट ऑफ से स्टार्ट होती है, एंड होती है आपका 70+ तक। नॉर्थ ईस्ट में 70+ तक एंड होती है। और 70+ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 70+ लास्ट ईयर ही आई है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वैकेंसी 5000 के आसपास था। और कैंडिडेट आपको पता है कि आप कहीं से भी बैठ के, मतलब अपने स्टेट से बैठ के कोई और स्टेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मान लो आप बिहार में हो, तो बिहार का कैंडिडेट मिज़ोरम के लिए फिलअप करके मिज़ोरम से एग्ज़ाम दे सकता है, बिहार में ही एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो ये सब बातें ऑलरेडी आपको पता होगा आपको। तो यही कह रहा हूँ, वो वेरी किया था कट ऑफ, वैकेंसी कम थी और ऊपर से बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई भी कर दिए थे बाहर से, इसलिए कट ऑफ 70 के आसपास या 70 क्रॉस भी चली गई नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे स्टेट में। और ऐसा भी था कुछ स्टेट में कट ऑफ बहुत लो थी, जैसे मिज़ोरम, मैंने आपको वीडियो भी मैंने वो शेयर कर दिया, स्कोर कार्ड भी वो शेयर है ऑलरेडी, 2.5 गया था कट ऑफ जैसे मिज़ोरम का मैंने बताया, और सबको पता है ये 2.5 गया था। क्योंकि इसमें मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ, अगर आप बाहर से फिलअप कर रहे हो ना, LPT में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, याद रखना SBI का, आप टर्मिनेट भी किए जा सकते हो। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, क्योंकि थोड़ा बहुत है तो कोई होता है पैनल में आपको चांस दे देते हैं, ठीक है, मैंने जैसे एक्सपीरियंस में जो कैंडिडेट बताया मुझे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको चांस मिल जाता है कि ठीक है, मतलब आपको ओके करके आपको नेक्स्ट मतलब सेलेक्ट में रख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जब स्ट्रिक होता है ना, तो मतलब उनके साथ जो वो स्टेट का अगर कोई बैठा रहता है, तो वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ करते, तो उसमें LPT में आपको प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आता वो क्या बोल रहे हैं और आप समझ नहीं पाए और ब्लैंक हो गए, तो मतलब कितने लोग होते हैं डायरेक्ट आपको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन कभी कभी केस में ये भी देखा गया है कि आपको चांस भी मिल जाते हैं, तो ये नसीब के ऊपर है। लेकिन एक बात है, आप इतना रिस्क लेंगे तो आपका एक अटेम्प्ट जा भी सकता है, क्लियर करके भी आप फेल हो सकते हो, ठीक है। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो सुनो, एक बात सुनो मेरा, अगर सेफ रहना चाहते हो कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, तो यही कहता हूँ, जो भी स्टेट से आप फिलअप कर रहे हो उसकी लैंग्वेज सीख लो। और देखो एक बात मैं कहता हूँ, फ्रेंकली कहता हूँ, अगर आप मिज़ोरम से फिलअप कर रहे हो तो मिज़ोरम से ही हमेशा फिलअप करो, क्योंकि मिज़ोरम की और लैंग्वेज भी सीख लो। अगर एक बार मिज़ोरम कर रहे हो, एक बार मेघालय कर रहे हो, तो ऐसे लैंग्वेज कैसे सीख पाओगे। तो ये चीज़ आप संभल के फिलअप करना फॉर्म, एक टारगेट अगर नए कैंडिडेट हो तो, अगर पुराने भी हो, अगर आपका 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट बचा है या लास्ट अटैम्प्ट है जो भी है, तो आप सावधानी से फिलअप करें, क्योंकि आपका मेंस क्लियर हुआ उसके बाद आपका टेंशन शुरू हो जाएगा। सोचिए आप LPT में रिजेक्ट हो जाओगे, कितना गंदा फील होगा, बहुत ही गंदा फील होता है इसमें। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कट ऑफ प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा वेरी करता है, अब मेंस का एवरेज रहता है कट ऑफ, जैसे मैंने बताया, अगर बताऊँ एवरेज 70 to 84 या 85 तक रहती है, ठीक है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ का मैक्सिमम, अब मिनिमम का बात करें तो मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में 60 to 75 के बीच में भी कट ऑफ रहती है कुछ स्टेट में। अब देखिए मैं मैक्सिमम कौन कौन स्टेट का कह रहा हूँ ये बता रहा हूँ, मेंस का मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम हो गया आपका जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया,
त्रिपुरा हो गया, ये तीनों में ना मैक्सिमम रहने के चांसेस होते हैं, 75+ रहने के चांसेस होते हैं, और बाकी में जो है ना 70 के अंदर या 72, 73, 74, नागालैंड, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये आपका अरुणाचल हो गया, ये 75 के आसपास ऐसा कट ऑफ मीन्स का रह सकता है, आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और 75 बिलो मेरा मतलब 75 के नीचे या 75 के आसपास इसी में रहेगा आपका कट ऑफ मेंस का। और चलिए प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूं, देखिए ये वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, लंबी हो गई। जैसे प्रीलिम्स का मैं कट ऑफ बताऊं तो सिर्फ लास्ट ईयर 2021 का अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 65 to 75 के आसपास रहा है। आपको पता होगा अगर आप दिए होंगे तो सिक्किम हो गया, असम का 68 के आसपास गया था और मैंने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली 68 ही कट ऑफ किया था। बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा प्रिडिक्शन फेल हुआ है, ठीक है फेल हुआ है, वो पूरा 100% नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में कहा था 40 कट ऑफ जाएगा, 40 नहीं गया, 40 से भी लो गया। क्यों गया? अरे देखिए नॉर्थ ईस्ट में हो ना तो बहुत अजीब अजीब कट ऑफ देखने मिलेगी आपको। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अजीब अजीब कट ऑफ देखने मिलेगी आपको, और ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया अभी नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जो आपको डिटेल में ऐसा समझा दे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस मेरे पास जितना है जो चैनल यूट्यूब पर कोई किसी के पास नहीं है अभी तक, और आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि प्रैक्टिकल मैं एग्ज़ाम दे के मैं देख चुका हूँ यहाँ का कट ऑफ, क्योंकि 37 भी कट ऑफ हुआ है, कभी 50 के आसपास भी हुआ है, 60 के आसपास भी हुआ है, 70 के आसपास भी हुआ है, तो कट ऑफ बहुत अजीब होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए मेहनत करो, प्रीलिम्स में 70 लाना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस अच्छा है आप ला सकोगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप लोग ये मत सोचो कि मुझे 50 करना है, अटेम्प्ट करना है। देखो लास्ट ईयर एक कैंडिडेट था, मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, वो कैंडिडेट था ना, बोलते थे सर मेरा तो अटेम्प्ट 50, 40, 56 मॉक में 50 कभी 55 हो इसी के आसपास होता है, तो मेरा क्या सिलेक्शन होगा? अरे मैंने कहा था देखो ये चक्कर में मत रहो, आप जितना हो आप मॉक दो, भले ही 50 मिले कोई बात नहीं, 40, 45 मिले कोई बात नहीं, एनालिसिस करो मॉक देते रहो। तो उस बंदे का क्या हुआ था ना, वो 40, 45, 50, 55 इसी के आसपास मॉक में आता थे, ठीक है। और क्या हुआ प्रीलिम्स में उसका स्कोर 75, 76 के आसपास गया। कैसे गया? वो बोलता है जैसे प्रैक्टिस करते करते मॉक में थोड़ा लेवल हाई रहता है और एग्ज़ाम में क्या रहता है, थोड़ा लेवल एज़ कम्पेयर ईजी रहता है। तो इसी हिसाब से आप ज़्यादा मॉक पे टेंशन ना लो, 45, 50, 60 भी हो रही है आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। आप एनालिसिस अच्छा से करो, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक जानते हो उसका क्वेश्चन करो, ठीक है। और देखिए कट ऑफ, इसमें मैं कट ऑफ LPT सारा लेके आया था, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, आप फॉर्म आए तो हम कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है। उस पर मैं एग्जैक्ट वीडियो बना दूंगा एक बार नोटिफिकेशन पे आने पे, लेकिन अभी मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत अजीब होता है। जैसे मिजोरम का 2.5 गया था, आपको पता ही होगा, मेघालय का 70+ गया था कट ऑफ, ठीक है, नागालैंड का 68, 69 के आसपास गया था, सिक्किम का 72 के आसपास गया था, अरुणाचल का 69 या 70 के आसपास गया था, मतलब सबका कट ऑफ अच्छा खासा गया था। तो इस बार क्या रहने का चांसेस है वो देखिए वैकेंसी पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए वैकेंसी 8000+ आई तो आप कट ऑफ देखिए 70+ जाने की चांसेस बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक है। ऑन एवरेज कट ऑफ आपका मतलब प्रीलिम्स का अगर 8000+ आई तो 62, 68 के बीच में ही कट ऑफ रहने के चांसेस है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, एक दो स्टेट छोड़ के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या कहता हूँ। तो अगर कोई डाउट रहेगी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बस मैं ये वीडियो बनाऊँ पूरा आपको क्लियर करने के लिए और SBI प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस देने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आप लोग एग्जैक्ट कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर अगर 70 किया जरूरी नहीं इस साल 75 जाएगा, 80 जाएगा, या ये साल कट ऑफ 50 नहीं जाएगी, देखिए 50 भी जा सकती है अगर लास्ट ईयर 70 गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिंक मैंने दे दिया प्रीवियस वीडियो का, उसका भी आप देख सकते हो पूरा कट ऑफ कितना है, एनालिसिस पूरा मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जाके देख लो ना। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अगर कमेंट हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें, बस मेहनत से प्रैक्टिस करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।